आज आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो की एक टीम सतना जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर में छापामार अभियान शुरू करी। जमुने में अपना का बताई कि 25 सदस्यीय टीम अब तक घर से करोड़न रुपये के संपत्ति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के सतना में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वैज्ञानिक करोड़पति निकले। अपना का बताई कि यह जानकारी ईओडब्ल्यू ऑपरेशन के बाद मिली। सूत्रन के मुताबिक आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो की टीम रीवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर जौन के सतना शहर के मारुति नगर में ही स्थित है, जहां आज आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो ईओडब्ल्यू के टीम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाती। सुशील कुमार के घर के बेल बजावा थी। सुशील कुमार दरवाजा खोला थे और देखा थे तो सामने ईओडब्ल्यू के टीम रहा थी। सुशील कुमार के मानो होश नहीं आए। ईओडब्ल्यू के टीम अपन कार्यभार संभाला थी और टीआई मोहित सक्सेना और प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय टीम काम कर रही थी। घर से अब तक करोड़न रुपये के संपत्ति मिल चुकी है। बतावा जा लागब है कि अब तक में ही कनिष्ठ वैज्ञानिक के घर से 6 करोड़ रुपये के संपत्ति मिली है, जौने के मलिकाना हक उन्हीं के है। बतावा गया कि करीब 30 लाख रुपये के नगद सतना स्मार्ट सिटी से सटे 7 एकड़ के एक फार्म हाउस और 8 लाख रुपया से अधिक के सोना चांदी तक बरामद हुआ है। अब सुशील कुमार के घर में ही यह छापेमारी और कार्यवाही जारी है। अब यह संपत्ति मिले के शंका है। अब बतावा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के टीम कार्यवाही कर रही है। अब यह शाम तक में खुलासा हो पावत है कि इनके संपत्ति में और कौन कौन के इजाफा हो थे, कत्ते के मालिक निकला थे। अपना का बताई कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक जो सुशील कुमार मिश्रा ही उनके घर में आज छापामारी के दौरान देखा गया कि कम से कम अपने आय से बहुत ज़्यादा के संपत्ति रखे हैं, जौने में अब कार्यवाही शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तपंच देखत रहन बाड़गढ़ टाइम्स में बघेली संवाद। हम आहन मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। चैनल का लाइक करब, सब्सक्राइब करब बिल्कुल न भूलब। जय हिंद, जय बिंदी।